एक बार कुछ रशियन वैज्ञानिक कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका परिणाम जानने के लिए वह उस रूम में जाते हैं जहां उन्होंने उन लोगों को बंद कर रखा था जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वहां के हालात देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक बॉडी पड़ी थी जिसका शरीर इस तरह जमीन पर बिखरा पड़ा था जैसे कि एक किताब के पेज बिखरने पर दिखाई पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग अपने बॉडी पार्ट को तोड़कर खाते दिखाई दिए। हालात इतने खराब थे कि कमरे में मौजूद एक व्यक्ति अपनी ही उंगली को इस प्रकार खाए हुए था कि उसके अंदर का सिर्फ कंकाल दिखाई दे रहा था। पूरा रूम खून से भरा हुआ था। इसे देखकर सभी रिसर्चर्स काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट से इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद पहले तो उन्हें लगा कि शायद हमने इन्हें सही फूड नहीं दिया, वहीं नींद ना लेने के कारण इनका ये हाल हो जाएगा यह कभी सोचा भी नहीं गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी मनगढ़ंत कहानी की सुना रहा हूँ, बल्कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, जबकि यह कहानी उस एक्सपेरिमेंट की है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट को जानने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या सच में वैसा था जैसा कि हमने दिखाया और बताया। तो चलिए गहराई से बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बात 1940 की है जब सोवियत सारा रिसर्चर ने एक ऐसी दवाई को इजाद किया था जिसे लेने के बाद व्यक्ति को बिना सोए और बिना रेस्ट किए रखा जा सकता था। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता तो यह एक्सपेरिमेंट युद्ध के समय संजीवनी से कम नहीं था। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के पास भी फेरमिडल मेथामफेटामिन नाम का एक ऐसा ही स्टिमुलेंट था। उस समय अमेरिका व ब्रिटेन भी अपनी सैनिक टुकड़ियों को इसी प्रकार का ड्रग्स दिया करते थे जिसके कारण सोवियत भी इस पर काम कर रहा था ताकि वह भी अपनी आर्मी को इसके द्वारा मजबूत बना सके और उनके सैनिक भी 3 दिनों से कहीं ज्यादा बिना सोए लड़ाई कर सके। और उन्होंने ऐसा कुछ बना भी लिया। लेकिन अब बात थी उसे टेस्ट करने की, लेकिन इसका इंसानों पर क्या प्रभाव होगा यह किसी को नहीं पता था। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग 1940 में पकड़े गए दुश्मन सैनिकों पर करने की सोची, जहां उन्होंने 5 सैनिकों को इसके लिए मना भी लिया। जहां कैदियों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया, लेकिन सरकार द्वारा लालच दिया गया कि वो यदि इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ देंगे तो वो इन्हें आजाद कर देंगे और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। जहां वैज्ञानिक इस प्रकार का कमरा तैयार करते हैं जहां वो 5ों आराम से रह सकें और वैज्ञानिक उन पर 24 घंटे ध्यान भी रख सकें, जहां उनके लिए ड्राई फ्रूट, बिना गद्दों का बेड, पीने का पानी व टॉयलेट की सुविधा करवाई गई, जहां उनके कमरे में कुछ माइक्रोफोन व कैमरे भी लगा दिए गए, जिसके बाद अपनी ईजाद की गई गैस को उनके रूम में छोड़ दिया गया। पहले 3 दिन तो बिल्कुल सही रहा जहाँ इनमें से कोई भी नहीं सोया। रिसर्चर्स काफी खुश थे। वही रूम में कैदी भी अपनी आजादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें यह बोलकर लाया गया था कि यदि वह इस रूम में 30 दिनों तक बिना सोए रहते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन 4th दिन उनमें थोड़ा बदलाव आया जब कैदी युद्ध व बाकी चीजों पर बात करने लगे। 5वें दिन हालात और भी ज्यादा बेकार हो गए क्योंकि उन्हें रूम में वो सभी चीजें दिखाई देने लगी जो कि असल में वहाँ थी ही नहीं। रिसर्चर्स ये बात जानते थे कि ये सब नींद पूरी ना होने का कारण है। जहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट को चालू रखा, अगले दिन वो लोग पागल होने लगे जहाँ वो अजीब सी शक्ल बनाने लगे। लेकिन रिसर्चर्स अभी भी खुश थे क्योंकि उनमें से एक भी अभी तक नहीं सोया था। लेकिन 9वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक व्यक्ति रूम में एक जगह से दूसरी जगह भागता दिखाई दिया। वह इतना सुन्न हो चुका था कि उसने खुद की वोकल कॉर्ड को एक बच्चे के खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ दिया। कुछ दिन और बीते लेकिन अब कमरे में मौजूद लोगों की हलचल बंद हो चुकी थी, लेकिन वो सभी जिंदा थे जिसका सबूत वहां पर लगा ऑक्सीजन मीटर था जिसमें 5 लोगों के सांस लेने की खपत चल रही थी, लेकिन वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। जहां रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, जहां उन्होंने माइक्रोफोन चेक करने के लिए दरवाजे खोलने की सोची और
अनाउंसमेंट की कि हम माइक्रोफोन बदलने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, सभी दरवाजे से दूर हो जाएं, अगर कोई होशियारी दिखाएगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। इतना कहते ही अंदर से आवाज आती है जिसे सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, जहां एक कैदी माइक्रोफोन के पास आकर बोलता है कि अब हम फ्री नहीं होना चाहते। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह सवाल रिसर्चर्स को अभी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या वो लोग इस गैस के आदि हो चुके थे, यह बात जानने के लिए उन्होंने अंदर जाने का फैसला लिया। वहीं सबसे पहले रूम की गैस को बाहर निकाला गया, तभी एक कैदी चिल्लाने लगा कि उन्हें यह गैस फिर से दी जाए। रिसर्चर्स समझ गए कि गैस उनके दिमाग पर काफी गहरा असर डाल चुकी है। जब 15 दिन बाद कमरा खोला गया तो सबसे पहले एक कैदी की डेड बॉडी मिली। जो हमने वीडियो शुरू होते ही रूम ओपन होने का सीन बताया था वो इस कहानी का यही हिस्सा था। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। जब रिसर्चर्स ने पास जाकर देखा तो भयानकता का ऐसा मंजर देखकर उनका भी कलेजा हिल गया। उन कैदियों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कैदियों ने अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा लिया हो। उनका रूम देखने में एक पोस्टमार्टम रूम जैसा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसमें चारों ओर खून बिखरा हुआ था, जिन्होंने चेस्ट के ऊपर की स्किन को खुद ही निकाल लिया था, जहां उनके लंग्स को बाहर से ही साफ साफ देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो रूम में मौजूद हर इंसान ने खुद की सर्जरी खुद ही कर ली हो। उनकी ब्लड वेसल बाहर निकली हुई थी जो अभी भी काम कर रही थी, और बाकी के इंटरनल ऑर्गन बाहर फर्श पर किसी बच्चे के खिलौने की तरह पड़े हुए थे, और ये लोग एक दूसरे को किसी भूखे आदमखोर जानवर की तरह खा रहे थे। वहीं कुछ कैदी तो अपने शरीर को ही बड़े खुशी के साथ नाश्ते की तरह खा रहे थे, और ऐसा करते करते इन्हें जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। जहां इनकी ऐसी हालात को देखकर आखिरकार उन्होंने सिक्योरिटी को बुला लिया। इन्हें रूम से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। वहीं इन्हें बाहर निकालने में 5 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसे ही कैदी बाहर आए, डॉक्टरों ने उन्हें काफी ज्यादा मॉर्फिन इंजेक्ट की ताकि वो बेहोश होकर गहरी नींद में चले जाएं। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से काफी देर तक लड़ाई करते रहे, जिसके थोड़ी देर बाद ही एक कैदी की बॉडी से ब्लड बाहर आने लगा और वो मरा गया। वहीं बाकी बचे 3 फ्रीज मॉर्फिन के प्रभाव से रेस्ट की स्थिति में चले गए थे, और उन्हें एक सिक्योर जगह पर रखा गया। इन दृश्यों को देखकर वो रिसर्चर्स एक दूसरे को डरी हुई निगाहों से देख रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि शायद अमेरिका व ब्रिटेन ने इसे बनाते समय उनसे बेटर डिसीजन लिए होंगे। जहां सभी सर्जन अपना काम फिर से शुरू कर चुके थे और कैदियों के मिसिंग ऑर्गन को उनके शरीर में प्लेस कर रहे थे, जहां एनेस्थीसिया का एक और इंजेक्शन देने के कारण एक कैदी की और हार्ट बीट बंद हो जाती है और उसने भी दम तोड़ दिया। इस कैदी की मौत से ज्यादा इसके शरीर की हालत खराब थी, जिसने अपनी नो बोन को भी तोड़ दिया था, और इसके शरीर के सभी अंग अपनी जगह से अस्त व्यस्त थे। अब डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और अगले कैदी के शरीर की सर्जरी बिना किसी एनेस्थीसिया के शुरू की गई। तब स्टाफ की एक नर्स डरी सहमी डॉक्टर को कहती है कि यह आदमी मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में भी इसका मेन कंसेनल सिस्टम काम कैसे कर रहा है। लेकिन जब नर्स ने उसके होठों की तरफ देखा तो उसे लगा शायद वह कुछ कहना चाहता है। तब नर्स ने उसे एक कागज और पेन दिया, जिस पर कैदी ने जो लिखा वह सच में ही अजीब था। उसने लिखा था कीप कटिंग, यानी उसे खुद को कटवाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। यही पागलपन दूसरे कैदियों के साथ भी था, और वो डॉक्टर से बार बार उसी गैस की मांग कर रहे थे जो उन्हें रूम के अंदर दी गई थी। तब एक रिसर्चर्स ने कहा, क्यों न इन्हें फिर से रूम में भेज दिया जाए, क्योंकि रूम से बाहर आते ही 2 कैदियों ने दम तोड़ दिया था। शायद इन्हें वापस रूम में भेज दिया जाए तो यह थोड़े शांत हो जाएं और इन पर फिर से काम शुरू किया जा सके। लेकिन तभी ECG मॉनिटर एक कैदी के दिमाग में कुछ ज्यादा ही हलचल दिखाने लगता है, और अगले ही पल सारी लाइनें बंद हो जाती हैं, यानी कि एक और डेथ। अब स्टडी रूम में 3 रिसर्चर, एक कमांडर और एक कैदी के साथ साथ काफी सारी डेड बॉडी मौजूद थी। तभी एक रिसर्चर अपनी गन निकालता है और एक कमांडर व कैदी को गोली मार देता है, और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अब इन लोगों के साथ इस रूम में नहीं रह सकता। ये लोग कौन थे, ये सब क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन अंतिम कैदी जिसे गोली लगी थी अभी मरा नहीं था।
था जहाँ वो अंतिम शब्द बोलता है, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि हम कौन हैं, हम तुम्हारी तरह ही तो हैं, हम वो हैं जिन्हें फ्रीडम का लालच देकर हमारा ये हाल कर दिया गया, हम वो हैं जिन्हें तुम सोने से पहले अपने आप से छुपाते हो, हम वो हैं जिन्हें तुमने पागल बना दिया और जब नहीं संभला तो हमारा ये हाल बना दिया। जिसके बाद उस रिसर्चर ने कैदी की चेस्ट पर एक और बुलेट दाग दिया और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। तो दोस्तों यह थी रशिया स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी। दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह भी बताएं क्या इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऑफ बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।